हेलो फ्रेंड्स, मैं अर्चना सिंह आप लोगों का यूपीएससी यूपीपीएससी मेंस के जनरल स्टडी पेपर नंबर 3 में आप लोगों का वेलकम करती हूँ। तो आज हम लोग करेंगे पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है, जिसकी पीडीएफ भी मैंने टेलीग्राम चैनल सक्सेस मंच के नाम से है, और टेलीग्राम चैनल के अलावा फेसबुक पेज है सक्सेस मंच के नाम से, दोनों में ही शेयर कर दिया है। तो आपको वहाँ से पीडीएफ मिल जाएगा। जिसको भी पीडीएफ लेने में प्रॉब्लम आ रही है, प्लीज़ कमेंट करें, मैं उनका रिप्लाई ज़रूर करूँगी और पर्सनली पीडीएफ भी सेंड कर दूँगी। तो आज हम लोग देखेंगे पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 1 ऑलमोस्ट पूरा कम्प्लीट हो चुका था और हमने उसमें देखा था कि भारत में आर्थिक नियोजन के उद्देश्य क्या हैं, उपलब्धियां क्या हैं, नीति आयोग की भूमिका क्या है, ये सारी चीज़ें हमने वहाँ पर देख ली थी। अब हम यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट में कि सरकार के बजट के अवयव तथा उसकी वित्तीय प्रणाली क्या है, आज के जो लेक्चर में हम लोग देखेंगे। तो होप आपको वीडियो आज की पसंद आएगी और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये टॉपिक कैसे लग रहे हैं और क्या इसमें नयापन चाहते हैं, क्या कुछ अलग न्यू देखना चाहते हैं। इसके अलावा मेंस की सीरीज़ चलाई जा रही है, जैसे GS 1, 2, 3, 4 प्रॉपरली डे बाय डे अपलोड किया जा रहे हैं लेसन, जल्द ही कोर्स कंप्लीट करने की कोशिश रहेगी। प्लस खंड शिक्षा अधिकारी BEO का एग्ज़ाम नज़दीक है, तो उसके लिए भी हम लोग प्री के लिए अभी सीरीज़ चला रहे हैं। प्री एग्ज़ाम के बाद मेंस पे फोकस किया जाएगा और मेंस के लिए भी सीरीज़ चलाई जाएगी। तो इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए आज शुरू करते हैं हम लोग आज का टॉपिक। तो आज जैसे कि मैंने आपको बताया, सरकार के बजट के अवयव देखेंगे। तो इसका पहले हम बेसिक से शुरू करेंगे कि सरकार का बजट क्या होता है, इसके उद्देश्य क्या है, महत्व क्या है, ये सारा टॉपिक देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बजट क्या है, व्हाट इज़ द बजट। तो बजट एक ऐसा शब्द होता है, जैसे कि घर में हम मेनली अगर हम यूज़ करें तो घर में भी खर्चा कहीं से आता है, मतलब कि पैसे कहीं से आते हैं और किसी चीज़ में वो खर्च हो जाते हैं। तो उसी का अगर लेखा जोखा पूरे साल का रखा जाए तो उसे नॉर्मली बजट कहा जाता है। तो ऐसे ही सरकार में भी होता है कि सरकार की आय और व्यय का एक विवरण रखा जाता है, जिस प्रपत्र में एकत्रित किया जाता है उसे बजट कहा जाता है। इसका मतलब ये होता है कि सरकार ने पूरे साल में किस किस क्षेत्र में क्या क्या अर्निंग की और क्या क्या उसने खर्चा किया, उसका पूरा एक विवरण रखा जाता है, उसी को बजट कहा जाता है। बजट में विगत वर्ष के आय और व्यय के अनुमानों का वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत किया जाता है। इसका मतलब यह है कि जो भी आने वाली ये वर्ष है, जैसे कि अभी 2020 चल रहा है, 2020 में 20 और 21 का बजट आएगा, तो अभी 20 के पूरे साल में कहां से हमें आय मिलने वाली है और कहां कहां हमें खर्चा होने वाला है, इसको हम एक्सपेक्टेशन करके, उसका अनुमान लगा के वित्तीय विवरण प्रस्तुत करते हैं, तो उसी को बजट कहा जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में बजट निर्माण के बारे में बताया गया है। तो ये अनुच्छेद आप जरूर ध्यान रखेंगे, बजट का जिक्र कहा किया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में। आगे बात करते हैं, तो लोकसभा में केंद्र सरकार के वित्त मंत्री द्वारा बजट पेश किया जाता है और इस बजट को केंद्रीय बजट के नाम से जाना जाता है। जैसे कि हमारी अभी वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, जिन्होंने इस समय बजट पेश किया था। तो ऐसे ही बजट जो वित्त मंत्री होता है केंद्र सरकार का, हर साल का वो सालाना बजट पेश करता है। राज्य सरकार में बजट राज्य वित्त मंत्री द्वारा पेश किया जाता है और ये केवल उसी राज्य के लिए निर्धारित रहता है, मतलब कि वो सिर्फ अपने और अपने राज्य के लिए बजट लाता है, वो किसी और राज्य के या केंद्र के संदर्भ में कोई भी बजट पेश नहीं कर सकता। चलिए आगे देखते हैं बजट के प्रकार। तो भारत में बजट के 5 प्रकारों का विशेषकर उपयोग किया जाता है, मतलब कि वैसे तो बहुत प्रकार हैं बट जो मेनली हम यूज़ भारत में करते हैं वो 5 टाइप के हैं, जैसे आम बजट, निष्पादन बजट, जीरो बेस बजट, आउटकम बजट और जेंडर बजट। ये 5 तरह के बजट मेनली हैं जिनका भारत में यूज़ किया जाता है। तो चलिए इन्हें डिटेल में समझ लेते हैं कि इन 5 बजट का मीनिंग होता क्या है।
तो सबसे पहले हम देखते हैं पारंपरिक बजट, जिसे आम बजट भी कहा जाता है। इसमें ये नॉर्मली होता है, इसमें आय और व्यय का वार्षिक लेखा जोखा रखा जाता है। इस बजट में सरकार किस क्षेत्र में कितना व्यय करेगी और उसका उल्लेख करती है, और इस व्यय में क्या-क्या परिणाम होंगे इसका ब्यौरा नहीं दिया जाता। मतलब कि हमें सिर्फ इतना बताया जाता है कि रक्षा के क्षेत्र में इतना खर्चा किया जाएगा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में इतना खर्चा किया जाएगा, और मेडिकल के क्षेत्र में जो भी हमारी और चीज़ें हैं, मतलब कि जैसे कि बुनियादी सुविधाओं में इतना खर्चा किया जाएगा, बट ये नहीं बताया जाता कि इन खर्चे के द्वारा हमें क्या आउटकम्स मिलेंगे। तो ये होता है पारंपरिक या आम बजट। नेक्स्ट होता है निष्पादन बजट। निष्पादन बजट में इसे परफॉर्मेंस बजट भी कहा जाता है, कि कार्यों के परिणाम को आधार बनाकर निर्मित किया जाने वाला बजट निष्पादन बजट कहलाता है। निष्पादन बजट लक्ष्योन्मुखी प्रणाली पर आधारित होता है, जिसमें केवल संगठनात्मक आय व्यय का हिसाब ही नहीं बल्कि लक्ष्य को भी ध्यान में रखा जाता है। इसका मतलब ये कि हमें अब आगे आने वाले 1 साल में रक्षा के क्षेत्र में अगर इतना खर्चा करना है तो उससे हमें क्या प्राप्तियाँ होंगी, क्या लक्ष्य हमारा है, तो वो भी इसके अंदर डिस्क्राइब किया जाता है। तो इसको कहा जाता है निष्पादन बजट। नेक्स्ट हम बात करते हैं परिणामोन्मुखी बजट। इसका मतलब होता है आउटकम क्या मिला हमें, क्या निश्चित परिणाम हमें मिले इस बजट से। तो आम बजट से कई बार निर्धारित परिणाम सुनिश्चित नहीं किए जा सकते, जैसे कि हमने अभी बात की थी। इसलिए लक्ष्य को ही निर्धारित कर बजाया जाने वाला जो बजट होता है उसे परिणामोन्मुखी बजट कहते हैं। तो ये नॉर्मली आउटकम का ही एक थोड़ा सा पार्ट है, बस ये थोड़ा सा आम बजट के रूप में इसे ऐड कर दिया जाता है। इसमें जैसे आम बजट में हमें ये तो बताया ही जाता है कि आय कितने हैं, कितना होगा और व्यय कितना होगा, प्लस इसमें परिणाम भी अगर ऐड कर दिया जाए तो इसे परिणामोन्मुखी बजट कहा जाएगा। नेक्स्ट है शून्य आधारित बजट। ये बजट जो आने वाले वर्ष हैं उनके आंकड़ों को आधार ना सॉरी गत वर्ष मतलब बीते वर्ष के आंकड़ों का आधार ना मानकर शून्य को आधार मानते हुए बजट अपनाया जाता है। मतलब कि हमें ये मानना होता है कि हमारी आय और व्यय शून्य है, अब इसके अकॉर्डिंग हम आने वाले जो वर्ष हैं उनके लिए बजट बनाएंगे। और इस बजट को तब अपनाया जाता है जब आम बजट घाटे में चलने लगता है। घाटे में चलने का मतलब है कि हमें व्यय ज़्यादा हो रहा है और आय कम हो रही है। इसके बारे में भी अभी डिटेल में भी चर्चा करेंगे। ये बढ़ते घाटे को अंकुश लगाने में सहायक होता है। ये थोड़ी सी यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, तो इसे आप लोग करेक्ट कर लेंगे तो ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लास्ट है हमारा लैंगिक बजट। लैंगिक बजट वो होता है जो महिला और शिशु के कल्याण को ध्यान में रख के बनाया जाता है। मेनली इसमें कहा जाए कि पुरुषों को और महिलाओं के लिए अगर अलग अलग कोई बजट, या महिलाओं को स्पेशली ध्यान में रख के उनके क्षेत्रों में कोई बजट बनाया जाता है तो उसे लैंगिक बजट कहा जाता है। ये बजट महिला के विकास और सशक्तिकरण की योजनाओं के लिए सरासी सुनिश्चित करता है। मतलब कि ये कहा जाता है कि लेडीज़ वेलफेयर या चिल्ड्रन वेलफेयर के लिए अगर हम इतनी राशि निकाल देते हैं तो वो लैंगिक बजट की श्रेणी में आ जाता है। तो यहाँ तक आपको बजट के प्रकार समझ में आ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं बजट का महत्व। बजट क्यों ज़रूरी है, क्यों बनाया जाता है, जाना चाहिए बजट साल भर के लिए। तो बजट द्वारा सरकार के सभी कार्य निर्धारित किए जाते हैं। उन्हें ये पता होता है कि हमें आने वाले टाइम में ये कार्यों पर इतना इतना खर्चा करना है। बजट द्वारा संचालित सभी योजनाओं के लिए धन की व्यवस्था बजट के माध्यम से ही की जाती है। सरकार बिना बजट के 1 रुपये भी व्यय नहीं कर सकती। अगर सरकार को ये नहीं पता होगा हमें किस क्षेत्र में क्या खर्चा करना है तो वो बिल्कुल धन का निकासी नहीं कर सकती है सरकार। बजट में प्रत्येक वर्ष नई योजनाओं की घोषणा होती है, और चाहे महिलाओं के लिए हो, किसानों के लिए हो, गरीबों के लिए हो, तो वो सारी नई नई योजनाएं बजट के द्वारा ही लाई जाती हैं। टैक्स में संशोधन किया जाता है जिसका सीधा प्रभाव जनता पर पड़ता है। टैक्स में बढ़ोतरी की जाती है या कमी की जाती है उसका जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर के रूप में जनता पर इसका प्रभाव पड़ता है।
बजट में किए गए सभी प्रावधान तब तक लागू नहीं किए जा सकते जब तक संसद द्वारा पास नहीं किया जाता। तो ये तो हम लोग पढ़ेंगे कि जब बजट कैसे पारित होता है, तो उसमें हम ये पॉइंट्स गौर करेंगे कि कैसे किया जाता है, और बजट में जितने भी प्रावधान दिए गए हैं उसे लागू जब तक नहीं कर सकते हैं जब तक वो संसद द्वारा पास ना कर दिया जाए। तो चलिए आगे देखते हैं बजट की प्रक्रिया कैसी होती है। तो बजट को वित्त विधेयक द्वारा पेश किया जाता है। वित्त विधेयक जैसे कि 112 में कहा गया है उसके अकॉर्डिंग वित्त केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। बजट लोकसभा में पास होने के बाद राज्यसभा के पास स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। मतलब यहाँ पर लोकसभा में अगर वो पास हो जाता है बजट बहस होने के बाद, तो उसे भेजा जाता है राज्यसभा में। राज्यसभा में बजट को सिर्फ स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। यदि राज्यसभा इस पर 14 दिन के अंदर स्वीकृति प्रदान नहीं करती है तो बजट को पास मान लिया जाता है। तो मतलब कि आप लोग ये समझ चुके होंगे कि बजट निर्माण की प्रक्रिया में राज्यसभा का कोई भी इम्पोर्टेंट रोल नहीं होता, उसे हाँ ही हाँ करनी पड़ती है। और वित्तीय वर्ष की पहली तिथि को बजट में किए गए प्रावधान पूरे देश में लागू कर दिए जाते हैं। तो इस प्रोसेस के जरिए बजट पास होता है। राज्य सरकार द्वारा निर्मित बजट केवल राज्य की सीमाओं के लिए मान्य होता है, और बजट में यदि राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बजट में विरोधाभास होता है तो केंद्र सरकार के बजट को मान्यता प्रदान की जाती है। कभी कभी ऐसी चीज़ें आ जाती हैं, दोनों में डिस्प्यूट होने लगता है, केंद्र सरकार राज्य सरकार, कोई योजना ऐसी होती है जो राज्य सरकार लागू करना चाहती है बट केंद्र सरकार उसे लागू करने के लिए पैसे नहीं देना चाहती, तो इस स्थिति में केंद्र सरकार के बजट को मान्यता प्राप्त होती है। चलिए आगे बात करते हैं बजट घाटे की अवधारणा की। तो बजट घाटा कई प्रकार से होता है, तो इसके बारे में देख लेते हैं। आधुनिक युग में लोकतांत्रिक सरकारों द्वारा प्रस्तुत बजट में विविध प्रकार के बजट के घाटों को दर्शाया जाता है, जिससे अर्थव्यवस्था के स्वरूप को समझने में सहायता मिलती है। मतलब कि बजट घाटा कई तरह से होता है, इसके बारे में पूरा हम लोग देखेंगे। और इसमें बहुत सारे कीवर्ड्स ऐसे हैं जो आप लोगों को नहीं समझ में आएंगे, तो मैं एक एक कीवर्ड्स एक्सप्लेन करूँगी। इसमें दो लेक्चर होंगे, एक ये लेक्चर और एक और लेक्चर आएगा। दो लेक्चर में ये पूरा पॉइंट नंबर 2 यहाँ कवर हो जाएगा। प्रोफेसर टाल्टन ने कहा है कि एक बजट घाटा पूर्ण है यदि एक दिए गए समय के अंदर व्यय आय से अधिक है। मतलब कि बजट घाटा नॉर्मली उसे कहा जाता है कि अगर हमारे पास व्यय ज़्यादा है और आय कम है, मतलब कि हमारे पास खर्चा ज़्यादा है और आमदनी कम है, तो उसे हम लोग नॉर्मली बजट घाटा कहेंगे। अब बजट घाटे कई तरह के होते हैं, वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले होता है राजस्व घाटा। जब बजट के अंतर्गत दर्शाए गए कुल राजस्व व्यय कुल राजस्व प्राप्तियों से अधिक होता है तो वह अंतर राजस्व घाटा कहलाता है। अब इसके राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्तियां क्या होती हैं, इसके बारे में भी हम डिटेल में आगे के लेक्चर्स में चर्चा करेंगे। आप इतना समझ लीजिए कि जितना हमें आमदनी होती है उससे ज़्यादा अगर खर्चा हो गया तो इसे राजस्व घाटा कहते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है राजस्व प्राप्तियाँ माइनस राजस्व व्यय। राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा के अंतर्गत आता है बजटीय घाटा। बजट घाटा जो होता है, हमने जो बजट बनाया है उसके अंतर्गत कोई घाटा होता है तो, प्लस उधार अगर कहीं से लिया हुआ है, प्लस समस्त देनदारियां जो भी सरकार के ऊपर कर्जे हैं सारे उसके अंतर्गत आते हैं। राजकोषीय घाटा अर्थव्यवस्था वर्तमान आर्थिक स्थिति का समग्र दर्पण है। और राजकोषीय घाटा को ये भी लिख सकते हैं कि हमारे पास कुल जितना खर्चा है उसमें से राजस्व प्राप्तियां और गैर ऋणों से प्राप्त पूंजी वस्तुएं अगर घटा दी जाएं तो हमें राजकोषीय घाटा प्राप्त हो जाएगा। इसको हम डिटेल में और अच्छे से स्टडी करेंगे, तब आपको ये प्रॉपर टर्म्स समझ में आ जाएंगी कि राजस्व प्राप्तियाँ क्या होती हैं, राजस्व व्यय क्या होते हैं, गैर ऋण क्या होते हैं, पूंजीगत वस्तुएं क्या होती हैं। ये सारी अगर हम डिटेल में अभी आगे करेंगे लेक्चर्स में तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये सारी चीज़ें टर्म्स होती क्या हैं। 1977 से बजटीय घाटे को शून्य कर दिया गया, तो ये आप प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखेंगे। शून्य का मतलब कि जो बेस ईयर है वो जीरो मान लिया गया, मतलब कि कोई एक साल नहीं मान के किया गया इसमें काम।
नेक्स्ट हम बात करेंगे वित्तीय घाटा। वित्तीय घाटा वो होता है जो सरकारी कोष की वास्तविक स्थिति को व्यक्त करता है। इसके अंतर्गत बजट घाटे के साथ साथ सरकार की शुद्ध उधारी भी जोड़ दी जाती है। मतलब कि बजट घाटा तो होता ही होता है, प्राप्तियों से ज़्यादा व्यय होता है, प्लस जो सरकार ने उधारी ली होती है कहीं से वो भी इसके अंदर ऐड होती है। नेक्स्ट होता है प्राथमिक घाटा। राजकोषीय घाटे में अगर ब्याज की अदायगी को घटाने के बाद जो राशि शेष बचती है उसे प्राथमिक घाटा कहा जाता है। मतलब कि राजकोषीय घाटा भी आपने यहाँ देखा, यहाँ पे अगर ब्याज हमने घटा दिया राजकोषीय घाटे में से, तो जो चीज़ें बचेंगी वो प्राथमिक घाटा कहलाएगा। अर्थात ब्याज की अदायगी राजकोषीय घाटे में निकाल दी जाए तो प्राप्त शेष सूत्र को प्राथमिक घाटा कहा जाता है। तो होप आप ये सब पूरे फॉर्मूले समझ गए होंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे नॉर्मल बजट। तो बजट दो तरह के होते हैं, दो बजट को प्रक्रिया मतलब कैसी होती है तो ये हम देखेंगे इसमें। बजट में सार्वजनिक आय होती है और सार्वजनिक व्यय होता है। मतलब कि जब हम बजट बनाते हैं तो एक तरफ हमारे पास हमारी आय का स्रोत होता है, दूसरी तरफ हमारा व्यय का स्रोत होता है कि हमें इतना कहीं से आमदनी होगी और हमें इतना खर्चा करना है। अब सार्वजनिक आय होती है वो दो प्रकार की होती है, एक होती है राजस्व आय, एक होती है पूंजीगत आय। और ऐसे ही सार्वजनिक व्यय जो होता है वो भी दो प्रकार का होता है, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय। अब इसके बारे में ये राजस्व आय और पूंजीगत आय, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय होता क्या है, इसको हम प्रॉपर डिटेल में आगे के लेक्चर्स में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट राजस्व आय जो होता है वो दो तरह का होता है, कर राजस्व, और कर राजस्व भी दो तरह का होता है, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। ऐसे ही राजस्व आय जो दूसरा टाइप है उसका वो है गैर कर आय। इसमें शुल्क, ब्याज और लाभ तीनों को ऐड कर दिया जाता है। नेक्स्ट पूंजीगत आय जो होती है वो होती है शुद्ध देशी ऋण और शुद्ध विदेशी ऋण। ऋण जो लिया जाता है देश और विदेश से वो पूंजीगत आय के अंतर्गत आती है। इसी तरह राजस्व व्यय में दो तरह के होते हैं, एक योजनागत व्यय होता है, एक गैर योजनागत व्यय होता है। और ऐसे ही पूंजीगत व्यय में एक योजनागत व्यय होता है और एक गैर योजनागत व्यय होता है। तो ये प्रॉपर बजट जब बनाया जाता है तो इस तरह के डिटेल्स को ध्यान में रख के प्रॉपर बजट को हम मैनेज करते हैं। जो वित्त मंत्रालय होता है वो प्रॉपर इन चीज़ों को ध्यान देता है, कहाँ से क्या खर्चा हो रहा है, कहाँ से क्या आमदनी हो रही है, उसको ध्यान में रखकर इस टाइप से बजट बनाया जाता है। तो आज के लेक्चर में मैं इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में ये जो मैंने पीछे ये जो पूरी टर्म्स दिखाई गई हैं, ये सारी टर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये सारी टर्म्स होती क्या हैं। और इसके अलावा जो हम वित्तीय विवरण है, जो वित्तीय विवरण होता है बजट का, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये पूरा लेक्चर यहाँ पे सेकंड जो टॉपिक है, सेकंड पॉइंट कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद जल्द से जल्द पेपर नंबर 3 कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आवर चैनल, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कौन सी चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है, क्या नया देखना चाहते हैं। होप यू विल इन्जॉय इट। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग सक्सेस मंच।